वैसे तो मनुष्य के जीवन में काफी ज्यादा परेशानियां उत्पन्न होती रहती है। कभी व्यक्ति के जीवन में खुशियां आती हैं, तो कभी व्यक्ति को अपने जीवन में काफी ज्यादा दुखों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे खास और शुभ मुहूर्त बनते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में काफी ज्यादा बदलाव आता है, और ऐसा ही कुछ शानदार संयोग अब बनता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज का ये दिन गोपाष्टमी के रूप में शुभ पर्व में मनाया जाता है, और आज बड़ा ही शानदार संयोग बन रहा है। बता दें आपको, पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि पर माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को पहली बार गायों को चराने के लिए जंगल भेजा था। यशोदा माता भगवान कृष्ण को नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन भगवान कृष्ण तो लीलाधर थे, वो अपनी जिद के आगे कहां सुनते हैं। इसी उपलक्ष में कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी मनाई जाती है। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है, और ऐसा माना जाता है कि गाय के पूजन से सभी 33 कोटि देवी देवताओं को एक साथ प्रसन्न किया जा सकता है। चलिए अब आपको उन 5 राशियों के बारे में बताते हैं जिन्हें आज गोपाष्टमी के दिन श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है, और इनकी अब सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। जो अधूरी मनोकामनाएं इनकी है वो भी अब पूरी हो जाएंगी। नए काम को शुरू करने के लिए जो योजनाएं आप लोग बना रहे हैं उसमें अब आप लोग सफल होने वाले हैं। जहां पर आप काम करते हैं वहां कुछ परिवर्तन हो सकते हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं। व्यापार में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल रहा है। सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। आपके द्वारा किया गया निवेश आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है। चलिए बता देते हैं आपको उन 5 राशियों के बारे में। तो वो 5 राशियां कुछ इस प्रकार से हैं: मेष, वृषभ, कन्या, वृश्चिक और मीन। इसी तरह रोजाना अपनी राशियों के बारे में जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।